गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो 11:32 हो चुके हैं, रेडी वेडी हम सब हो चुके हैं। और मेरा थोड़ा ड्रेसिंग सेंस आज ऐसा लगेगा जैसे भाई किसी के ब्याह व्याह में जा रहा हूँ। नैनीताल में कोई दोस्त यार था, उसके ब्याह व्याह में पहुँच रहा हूँ मैं। तो भाई अब जो समझ में आया वो पहन लिया मैंने, इतना कोई सोचते नहीं है भाई, हम जो दिखता है वो डाल लेते हैं। साफ सफाई अपने रूम की हो गई है, सब रेडी हो गए हैं, अब बस घूमने की तैयारी है। पापा भी रेडी बैठे हैं, मम्मी वगैरह और रेडी हो जाए, बॉस वगैरह भी हो रहे रेडी, फिर बस निकलते। और आज का फुल आपको दिखाते हैं क्या कुछ घूमते फिरते हैं नैनीताल में, क्या क्या चीज़ें हैं वही सब। ये देख लो भाई इन लोगों का रूम, ये लोग भी तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं 11:37 टाइम। ग्रीन भाइयों माय फेवरेट चीज इज ऑन द टेबल, वाओ। तो भाइयों हम ना अगेन इस पे ही चले गए थे सुबह का नाश्ता वगैरह करने पुरोहित पे, और अब हमने एक गाड़ी कर लिया जो सारा दिन हमें घुमाएगी। देखो आयरा कितनी खुश है, और गाड़ी अभी दिखाते हैं कौन सी क्या है। अपनी गाड़ी तो वहीं पार्किंग में खड़ी है, इतना मजा आ रहा है। ये रही भाइयों नैनीताल की लेक झील जो कि है, और हो रही अपनी सामने गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। एक तो आज थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो गया है, ऐसा लग रहा है ब्याह व्याह में। तो ये देख लो भाइयों, ये थी शेवरले की ट्रवेरा, अब तो गाड़ी क्या कंपनी नहीं रही है। तो ये है अपनी आज काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, फ्रंट से दिखा दे रहा हूँ। टर्बो की बैजिंग देख लो, यानी कि डीजल है ये। ये देखो भाइयों इसका डैशबोर्ड, काफ़ी बेसिक सा डैशबोर्ड है, लेकिन उस ज़माने में ना काफ़ी सही आता था। ये बहुत मंदे टाइम की गाड़ी है भाई, बहुत मंदे टाइम की। स्टीयरिंग भी शेवरले का नहीं है इसमें, ये देखियो पावर विंडो बेस मॉडल, यानी कि ये बस पापा चल रही है टैक्सी में। सुनना चाहिए तुम्हें, अरे पावर वाला तुमने हाथ चलवा दिया यार। सर ऐसा होता है ना, पावर है टैक्सी गाड़ी है, ये ना ये वाला टॉप में होता क्या, 50 बार नीचे ऊपर करता खराब हो जाता है। इनोवा नहीं है, टवेरा है, टवेरा शेवरले की। इनोवा लानी चाहिए हमारी, इनोवा की बात। हाँ, इनोवा की बात हुई थी। बात बताते हुए भी चलना जरा, गाइड की तरह हमारे को वो करना। हाँ हाँ, ये बच्चा हमारा यूट्यूबर है, ब्लॉग बना रहा है, तो आपकी भी उसमें आएगी जो है, यूट्यूब पे चैनल है अपना, उसी हिसाब से जरा गाइड कर देना। हाँ, ये सारी बात है जो आप बताओगे ना, ये समझ लो यूट्यूब पे चैनल पे आएंगी जो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब देखते हैं वो भी समझेंगे आगे। हाँ बिल्कुल, उनका ही प्रोग्राम बनेगा तो वो भी जो है आएंगे, अच्छा लगेगा। सही बात है सर, हमारा काम यही है कस्टमर को खुश करना। जी जी, हमारा तो काम है ना सर। बिल्कुल, हम आपके साथ आपको मिस गाइड थोड़ी देर गाइड करेंगे कि सर ऐसा है ऐसा है। ठीक ठीक, तो ये है इनोवा और ये है टवेरा भाइयों। देख लो 5 गियर इसमें, डीजल वाली ये गाड़ी रहने वाली है अपनी। डीजल वाली चल पाती है पहाड़ों पे। तो इसमें ना फ्रंट पे भी हम 3 बैठे हुए हैं, पूरा ऐसे सोफा सा है, और पीछे भी ये लोग तीनों आ गए हैं। तो ये इसमें बता रहे हैं 9 लोग बैठ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबल। और ये ना कोई थोड़ा मतलब ऐसे भी नहीं, MPV से कह लो, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा ना तो भी बोनट वगैरह नहीं दिखते, तो इनोवा टाइप ही आती थी भाई उस टाइम पे शेवरले की। बाकी अब आज फुल डे हम इस गाड़ी में बिताने वाले हैं अपना भैया के साथ, पूरा वो बताने वाले कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। पहले स्टॉप का रहेगा भैया हमारा, पहले रहेगा सर नीम कोली बाबा जी का हनुमानगढ़ी टेम्पल। अच्छा, तो पहले भाई आप लोग को सबको लेके हम वहीं जा रहे हैं बाबा जी के टेम्पल पे। जय बाबा जी की जय हो। ये हमारा टूर में आता नहीं है, मैं घुमा देता हूँ कस्टमर को हर किसी को। हाँ बस जो है शुरुआत वहीं से करो बाबा जी सब पर जा लो, मगर इस टूर में इसको कोई भी नहीं घुमाता। अच्छा, हम मैं घुमाता हूँ। ये देख लो भाइयों कैरिज में कैसे टेढ़े टेढ़े पट्टे, और हैंड ब्रेक देख लो वहाँ दे रखा है जो है, काला काला बटन देख लो, प्रेस द बटन, क्योंकि यहाँ पे बंदा बैठ जाता है इसलिए हैंड ब्रेक वगैरह डैशबोर्ड में ही डाल रखा है सारा।
मतलब कितनी प्रैक्टिकल गाड़ी बना रखी थी उस टाइम पे, और अब देख लो कैसी कैसी गाड़ी आनी। सबसे बेस्ट कंपनी है, मगर ये गाड़ी थोड़ा सा उसमें उनका कुछ फील रहा ना, तभी जाके कंपनी बनी, तो कंपनी बंद भी नहीं होती। ये गाड़ी कहाँ बनती है अब? सही बात है। बाकी ये तो गाड़ी बहुत हिट रही थी उस टाइम पे, शेवरले की टवेरा। टैक्सी में खूब चलती है ना ये? टैक्सी में भी और प्राइवेट में भी, सफारी वफारी का जब दौर था तब ये भी गाड़ी काफी चलती थी। ये और जो एक टोयोटा की वो आती थी ना क्वालिस, इनका कॉम्पिटिशन रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये और एक वो गाड़ी। मेरे तो खैर टक्कर में ये गाड़ी आई ना, क्वालिस के टक्कर में। मेरे तो खैर बचपन की गाड़ी है ये, बहुत छोटे पे देखी थी, आज बैठा हूँ इसमें। गाड़ियों का थोड़ा शौक हो जाता तो इसलिए रहती है नॉलेज। बचपन से पहले की जो पैदा नहीं है तब की होगी। ये कौन सा मॉडल है? ये है 2014 मॉडल। अच्छा, मतलब 2014 तक ये आती थी? 2016 तक आई ये गाड़ी। अच्छा 16 तक आई है, 16 में हुई है डिसकंटिन्यू। और न्यू कब कौन सी सन में आई है? नहीं तो काफी टाइम पहले ही, मतलब 2000 से पहले या 2000 के बाद ही आई, 2001 में शुरू हुई थी। पहले ज्यादा जल्दी जल्दी कहाँ बदलते थे, कंपनी भी गाड़ियाँ एक निकाल दी वो बिके जा रही। साल तो वही बिकती थी, अब तो 6 महीने में नई गाड़ी कोई आ जाती है। उस जमाने में लोगों पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो बाहर के लिए टैक्सी ही करी जाती थी, यही गाड़ियाँ चलती थी। कहीं हरिद्वार जाना, मंसूरी कहीं जाना, तो यही गाड़ियाँ होती थी। जो है इसमें 6 बंदे 7 बंदे 8 बंदे बन के आ रहे। गाड़ी की ज्यादा डिमांड इसलिए है सर ना, ये गाड़ी में जो है 9 लोग 10 लोग बैठ जाते हैं। ऐसी गाड़ी कोई भी नहीं बिल्कुल कि जिसमें आप लोग 9 लोग 10 लोग बैठ जाएंगे। बाकी तो इनोवा जो है 6+1 7+1 तो होती है ना। सबसे प्लस पॉइंट ये आता ना कि आगे 2 बंदे बैठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ड्राइवर के साथ। इसमें आगे 3 आ रखे हैं, देख लो तो बनाई है उस हिसाब की रखी है, तभी तो देखो बीच में कुछ नहीं रख रखा। गियर भी साइड में है, हैंड ब्रेक भी वही है, ताकि बीच में ही बंदा बैठ जाए। अब तो खैर फॉर्च्यूनर का जमाना है, और ये आ गया मंदिर। श्री संकट मोचन, काफी खड़ी चढ़ाई है भाई ये, सीधी एकदम। और आगे दो गाड़ियां अटकी हुई हैं, एक वैगनार और एक अल्टिगा। इधर काफी जगह है, वैगनार निकल सकती है आराम से, बट देखते हैं। वैसे तो लोकल ही है मगर इसका जो पावर है ना सर, इनोवा फेल है जो ये टवेरा का डीजल। डीजल 2500 सीसी इंजन है सर इसका, 2500 सीसी का डीजल इंजन, वो बहुत पावरफुल गाड़ी है। तभी तो देखो खड़ी खड़ी चढ़ाइयों पे, और ये भैया दूसरे गियर पे चढ़ा रहे, पहला भी नहीं डालना पड़ रहा। दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, दूसरे में चढ़े जा रही है। ये तो बात है, डीजल इंजन का पैसा वसूल तो है। पेट्रोल गाड़ियां तो फेल हो जाती है इतनी चढ़ाई। दिल्ली में 10 साल तक इसकी लैब कर दी है डीजल इंजन। हाँ जी हाँ जी, हमारी नई मतलब गाड़ी कुछ भी नहीं बिगड़ा, जो है स्विफ्ट डिजायर थी डीजल में की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था 2 या 3 साल पुरानी हो, 9.5 साल अपने रखती। अच्छा। और फिर उसको निकालनी पड़ गई इसी चक्कर में, 10 साल के बाद में वहाँ चल नहीं सकती। अच्छा, तो ये हम पहुंच गए हैं मंदिर, ये हनुमानगढ़ी टेंपल है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं, अंदर से प्रसाद लेके जाइए, मैं यहीं पे मिलता हूँ आपको। चलो ठीक है। देख लो भाइयों कितनी लंबी सी गाड़ी है ये, ऊपर कैरियर वगैरह भी है। यहाँ से ले लिया है भाइयों प्रसाद, फिर चल रहे अंदर मंदिर में। जय हनुमान बाबा की जय। बहुत सुंदर मंदिर है, नहीं मना है वीडियोग्राफर, यही यही फोटो खा लेंगे, यही करो के फोटो। संकेतन कक्ष बना हुआ बाबा जी का, जो पापा कहते हैं ना ये कहाँ है, तुम गए थे ना मुझसे, अब देख लिया तुमने कहाँ है, ये मुझसे सवाल पूछते भगवान ने, बाबा ने ना तुम्हें बोला। 12:55 हो गए हैं भाइयों, मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा मंदिर में दर्शन करके, और अब चल रहे हैं, देखते भैया कहाँ लेके जाएंगे। ये देखो टवेरा, इसमें इसके टायर साइज दिखाएं तो कितना आता है, तो इसमें ना स्टील रिम लगा हुआ है,
और टायर की प्रोफाइल देख लो 205/65R15 15 इंच का स्टील रिम है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में ना अलॉय व्हील नहीं भाई, कमर्शियल गाड़ी में ना वही चीज़ चलती है जो लॉन्ग टाइम चलती है, जैसे कि यहाँ पे भी भैया ने बताया ना पावर विंडो इसलिए नहीं है क्योंकि 10 बार ही भाई ऊपर नीचे होती है तो वो ख़राब हो जाएगी, मेंटेनेंस महंगा होता है उसका, इसलिए हाथ वाली विंडो ही बेस्ट रहती है। अब चलते हैं भाई दूसरे स्टॉप पे अपने, कौन सा गार्डन? केव गार्डन। केव गार्डन तो भाई केव गार्डन जा रहे हैं हम, भैया वहीं लेके जा रहे हैं, और भैया का नंबर ना मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप लोग में से कोई भी अगर नैनीताल आए और ऐसे घूमना फिरना चाहे पूरा फुल डे तो नंबर आ जाएगा भैया का, आप फोन करके बातचीत कर सकते हैं उनसे। तो ये देख लो भाई ये अपनी गाड़ी की पार्किंग आ गई है और वो ये खड़ी रेड वो गाड़ी एक यूनिक कलर से ये फायदा हो जाता है, गाड़ी जल्दी दिख जाती है, हाँ एक्सचेंज कराई थी तभी और अच्छी वैल्यू मिल गई, नहीं पहले उन्होंने 170 लगाई थी, 190 गाड़ी के, फिर पापा ने कहा भाई गाड़ी के रेट सही लगाओगे तो ही तुमसे लेंगे, तो करा के 235-240 फिर 250 पे उन्होंने कहा, फिर हमने भी कहा चलो जी कर दो। उत्तराखंड हाई कोर्ट है राइट हैंड, अच्छा हाई कोर्ट उत्तराखंड का, उत्तराखंड हाई कोर्ट दिखा दिया, ये चल रहा है ना, यहाँ पे पार्क टाइप भी है ये, हाँ यहाँ लिखा है ना हाई कोर्ट घास में, नैनीताल का सबसे बड़ा होटल मन्नू मरानी, ये हाँ ये बहुत पुराना टाइप का है ना, अच्छा और एडवेंचर भी है, अच्छा तो ये पहुँच गए भाई हम इको केव पार्क, यहाँ पे गुफाएं वगैरह बनी हुई है नेचुरल टाइप अपनी, अब गाड़ी पार्क होगी, अपनी गाड़ी पार्क हो गई है, एक और बगल में टवेरा भी है, बाकी इनोवा भी बहुत चल रही है यहाँ पे, इनोवा और टवेरा ही ज़्यादा दिख रही हैं भाई, हो रुक के क्रॉस करना यहाँ पे, अपने बॉस ले रहे हैं टिकट, अडल्ट की 100 है और चाइल्ड की है 60 रुपये, बच्चों की और बच्चे होने चाहिए 5 से 10 साल के, उनकी लगेगी 60। टिकट मिल गई है, चलें? आओ मेरे दोस्त। अच्छा सनग्लासेस ले रहे हो, ये मम्मी बॉस बॉस बहुत बड़ा है, बॉस बॉस लग रहा है, एक शीशा नीचे गिर चुका है, हाँ मेरे दोस्त गिर गया यार वो, अरे गिरा, अरे कोई बात नहीं, ये खुल तो जाती होगी जाली, खुलेगी शाम को खुलेगी, अच्छा अच्छा तब निकाल लेना, ये मैडम ये मैडम ये मैडम वन मोर ट्राई मैडम, ठीक है ये इधर, ओह डन हो गया डन हो गया डन, चलो चलो सर ये कला है मेरे पास सर, गुड गुड इसी से मैं पकड़ लेता हूं, बढ़िया, तो काफी मस्त यूनिक एडवेंचर है भाई, ये सीढ़ियाँ हैं, आराम आराम से, वहाँ देखो हाथ भी पकड़ लिए गए हैं, कोई नहीं मैं पीछे सपोर्ट में हूँ, कोई गिर के आएगा मैं पकड़ लूंगा, अरे ओ भाई साहब, तो भाई अब जा रहे हैं केव में और आगे का आपको दिखाते हैं, यहाँ पे वो है बुल वाला गेरा, बुल राइड, वो बुल जाए, सब आ रहे हैं लाइन से पीछे पीछे, और यहाँ पे आ गए टाइगर केव पैंथर केव, अभी दिखाते हैं, घबरा रहे हैं, ये नकली आवाज है,
नकली आवाज है क्या? क्या? अरे नहीं, ये आवाज नकली आ रही है, तो राइट जाना है। टाइगर केव ये राइट में है, पैंथर केव मना करिए ना आयरा के लिए। ठीक है, टाइगर केव में भाई और हम आ गए हैं। मस्त एक्सपीरियंस है भाई, केव बनी हुई है प्रॉपर। ये रही भाई, यहाँ ये रहा स्पीकर, टाइगर की आवाज आ रही है। भाई सर बचा के रखना है अपना अपना, ये सीढ़ी है सकरी, आराम से आना है। ये देख लो भाई कैसे कैसे सर बचा के निकलना पड़ रहा है, यहाँ से पतली सी सीढ़ी है, ये लोग भी आते हैं ऊपर आराम आराम से। सर वगैरह बचा के रखना है, ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है। तो ये देख लो भाई, ओहो तो यहाँ पे लाइट वगैरह आपका इंतजाम है ताकि दिख जाए। आ जाओ, और ये देखो कितना पतला रास्ता है भाई साहब, यहाँ से तो हम कैसे निकल पाएंगे? निकल जाओगे आप लोग? अरे आ जाओ, तो आगे जाना भी है ऐसे करके, वापस जाना है। आगे से रास्ता है, रास्ता रुको मैं जाके देखता हूँ। तुम भी भाई अलग ही एक्सपीरियंस है, पत्थर वगैरह सब है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत पतला है यार, मैं शायद देखते है रास्ता है इधर हैगा रास्ता, हैगा रास्ता हैगा, दिख गया मेरे को, मैं तो निकल जाऊंगा, आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ। ये देख लो भाई, अब देखते हैं ये लोग आ पाते कि नहीं। नहीं नहीं, खतरा रास्ता यही है, आगे सीढ़ियां वगैरह हैं प्रॉपर। आ जाओ आ जाओ, आराम से सर्वर बचा के आराम से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, पापा आराम से, इसको बाजू को करा दो, बच्चों के साथ थोड़ा सा भाई दिक्कत है, वरना तो काफी मजेदार है। आ जाओ आ जाओ, सर बचा के पापा ये सब देख के, हां ये नहीं ये पर सब, आ जाओ आराम से, ओहो तो मैं जा रहा हूँ भाई आगे, और रास्ता हैगा रास्ता हैगा, हाँ आ जाओ, रास्ता है बड़ा सैड रास्ता है, मजा आ जाएगा। अरे हैगा, सर बचा के अपने अपने, यहाँ पे है सीढ़ियाँ हैं चढ़ने का, और वो ऊपर रास्ता दिख रहा है, रोशनी दिख गई है मुझे, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। वैसे लाइट ना हो ना तो ज़्यादा एडवेंचर हो जाए, आराम आराम से आ जाओगे। मजाक नहीं सही में, और पैंथर केव और एग्जिट आ गई है, आ जाओ भाभी आराम से। तो आ गए हैं ये लोग भी आराम से, पापा और पापा भी, मम्मी ये नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो एग्जिट ये रही, आप लोग एग्जिट कर लो वहां से, हम लोग जा रहे हैं पैंथर केव में, ठीक है? हाँ हाँ, घूम फिर के आ जाएंगे हम, टेंशन ना लो। तो पापा मम्मी आए रखो, भाइयों हम एग्जिट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं पैंथर केव में, जो कि है काफी कठिन। भाइयों पापा मम्मी को कर दिया एग्जिट, और हम जा रहे हैं पैंथर केव में, जो कि काफी कठिन, उनने पहली बताई थी, बच्चे को नहीं लेके जाना है। आ जाओ, यही सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहीं से ही उतरना है नीचे, नाम रख रखा है उनने, ऐसा होता थोड़ी ना होगा, आराम आराम से भाभी। कहाँ कहाँ, हाँ पता नहीं कौन कौन से पहाड़ों में घुस जाते हैं, ये तो फिर भी बहुत सुविधा वाली जगह है। ये देख लो भाई कैसी सीढ़ियाँ जा रही हैं, इतनी पतली हो भाई, ये नीचे जाना है ऊपर जाना है, नीचे का भी है क्या जाने का, ऐसा तो नहीं नीचे से निकल, नहीं नीचे तो खैर बंद है, आपका स्वागत है, चलते रहो भाभी चलते रहो, बैग उतार के जाना पड़ेगा,
नहीं नहीं पहने रहो बैग, जहाँ भी अटके ऐसा पीठ हिला देना तैर पैर। हाँ ये देख लो भाई कैसे आड़े टेढ़े होके निकलना पड़ रहा है भाई। उतरी भाभी को देख, ये देखो कहाँ घुस के निकली है भाभी, हम भी घुसते हैं नीचे जा रहे हैं। ओ भाई भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। तो बॉस भाभी हाँ रुक जाओ, बॉस के लिए भी चलो चलो। ओ भाई आराम से आना है शिया, पत्थर एग्जिट आ गई। अरे यार इन्हें टट्टी दिख गई यहाँ पे, ये देखना सर पे ही पत्थर है। पूरा रास्ता दिख गया दिख गया, आ गए बाहर। ओ भाई हाँ ये वाली नेक्स्ट लेवल थी भाई, वो पैंथर के। मजा आ गया, बहुत पतली थी हाँ, झुक झुक के निकले हैं झुक झुक के। उधर का रास्ता किधर से है? वो एडवेंचर वाला होगा वो, किधर से आ जाओ इधर से लेफ्ट जाते हैं ना, वहाँ लिखा है ना देखो पे फ्लाइंग फॉक्स आ गया, जिप लाइन 100 रुपये है चार्ज, यहाँ सीढ़ी से चढ़ के होता होगा वो रस्सी जा रही है। इनमें चलोगे? ये जानवर के नाम तो सोच के कौन सा है? चलोगे? चले चलो चले। अरे नहीं अरे चलते हैं ना, चल लेते हैं मत। तो हम दोनों हुए हैं, इसकी एग्जिट कहाँ निकलेगी? अभी इन्हें मना कर दिया है इस वाली गेम में जाने का, तो ये हम स्किप कर दी, चल रहे हैं आगे ऊपर। कायरा के साहब के झूले मिल गए यहाँ पे, एक बारी छोड़ना ऊपर से, प्रॉपर छोड़ के देखना, बाकी मैं यहाँ खड़ा हूँ पकड़ने के लिए। छोड़ दो मजा आई, छोड़ दो। कुछ ज्यादा तेज आ गई। अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं हम लोग, केव वगैरह में तो हो लिया, बाकी छोटे छोटे एडवेंचर है अपने लाइफ टाइप के तो है नहीं, हम बड़े बड़े से कभी गिर गिर हो जाए इस वजह से, तो बस अब यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। अब दूसरी जगह दिखाते हैं आप लोगों को, ऐसे हो गया गाड़ी में बैठ गए निकल रहे हैं अब यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं हिमालय दर्शन करने, जो कि आप लोगों को भी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे मजा आया, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली जगह है, अच्छी जगह है। ये लोग हम लोग आ गए हैं भाई हिमालय दर्शन पे, जो कि आप यहाँ पे व्यू पॉइंट है, सामने वो चोटी दिखती है शायद अगर कैमरे में आ जाए। हाँ ये रही, नहीं हाँ भैया 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 भाई मैं फोकस करता हूँ, बहुत धुंध आ रखी है ना, ये मैं उंगली करता हूँ यहाँ पे, ये दूरबीन से दिखाना। क्या चीज दिखाओगे? फोकस ही नहीं हो रहा है यार। भोले बाबा का मंदिर, पालन के हनुमान मंदिर, ये रहा ये रहा। क्या खर्चा भैया? ये 50 रुपए से पे जाने का पांच जगह दिखा दे। हम पांच लोग, पांच लोग तो दोनों से अंदर में तो मजा नहीं आता। वो रही एक और, नहीं मतलब कौन से पहाड़ है वो जो जो बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, कौन से? यहाँ पूछ लो भाई, मेरे को क्या पूछ। वो भैया तो चले गए। हाँ देख लो सब देखना। तो भाई जो वो पर्वत है ना, तो वो पढ़ते हैं अपने बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, त्रिशूल पर्वत कहते हैं, वो दिख रहे हैं यहाँ से, उनपे बर्फ की चादर वगैरह भी बिछी पड़ी है। ये देख रहे हैं अपने बॉस पाइना कैलकुलेटर से, पाइना कैलकुलेटर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायनोक्युलर। अच्छा बायनोक्युलर बायनोक्युलर बायनोक्युलर
लो भाइयों, अगर आप लोग कपल के साथ आ सकते हो तो ऐसी फोटो खिंचा सकते हो। इसके 40 रुपए लगते हैं जो इसकी मेंटेनेंस है, खींचेगी आपके फोन से ही। सत्यनारायण मंदिर पहाड़ों पे भाई, जो मंदिर है ना, अलग ही पीस ऑफ माइंड है, बहुत शांति है। वो खड़ी भाई हमारी गाड़ी, ये है नैनीताल का लेक व्यू पॉइंट। वो बोटे कितनी सारी दिख रही हैं, छोटी छोटी सी। ये भी पॉइंट हमने देख लिया और अब चल रहे हैं आगे और भी पॉइंट्स वगैरह देखने। पेड़ा मेड़ा ले लिया है। वो देखो चने खाने रुक गए यार ये लोग। अब चल रहे हैं सूखाताल, ये लेक व्यू भी देख लिया नैनीताल का। ये देख लो भाइयों, ये है खुरपाताल लेक, गाय के आकार की बता रहे थे हैं। और अच्छा, गाय का जो पंजा होता है उसके आकार की, प्लस ये गर्मियों में ना कलर चेंजिंग रहती है, मतलब धूप के हिसाब से। बाकी ऐसा सा रास्ता है, यहाँ पे पैर फिसलना हो सकता है। खाई गया भाई वो सीधा, गए तो गए वो री। ये रंग बदलती है, गर्मियों में रंग बदलती है। आ गए भाई हम लोग बोटैनिकल गार्डन। ये नोएडा वाला नहीं है, नैनीताल वाला है। हिमालयन बोटैनिकल गार्डन HBG। तो यहाँ पे प्रबंधक टिकट है भाइयों 50 रुपए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ये बोटैनिकल गार्डन, तो जहाँ पे हर प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह की वो होती है ना, स्टडी वगैरह, और हर प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उसका नाम हो जाता है बॉटनी। और फिर पूरे सब जगह जो एक हो जाती है उसको नाम दे दिया जाता है बोटैनिकल गार्डन। तो यहाँ पे चलो आओ चलते हैं, फिर आ जा। अब यहाँ पे इसको चलने को मिल गया ना, तो यहाँ पे हर पौधे के नाम वगैरह भी मिल जाएंगे सबके। तो यहाँ पे है ब्रिज, और ब्रिज के इस पार है लेक। आगे नो एंट्री दे रखी है यार, आगे जा नहीं सकते। और यहाँ पे ये छोटी सी लेक टाइप है, वहाँ आपको बटरफ्लाई देखने को मिलती है, क्रोकोडाइल। ये आ गए हैं भाई इंसेक्ट म्यूजियम में। यहाँ पे तो फ्लावर्स की फोटोज लगी हुई है। ओहो, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। यहाँ पे ये कोई है हिमालयन, रियल है ये। ये देखो इसकी हड्डियाँ तक गली पड़ी है ना यहाँ। हाँ, ये ओरिजिनल है, देखो ये हड्डी गली पड़ी है इसके पैर की। कौन सी हड्डी? ये भी पैर की दिख रही है हड्डी। हाँ ये देखो, ओ शिट, डर जाए बंदा। तो कमजोर दिल वाले ना देखें ये सब। बटरफ्लाई तो बढ़िया है, ये भी बटरफ्लाईज हैं, इंसेक्ट्स हैं मसालों की तरह। अच्छा, मैं लगा ये भी इंसेक्ट्स हैं मसालों की तरह, ऐसा लग रहा है हर प्रकार का मसाला रखा है। MG8B चाट मसाला ऐसा ही कुछ था भाई वो इंसेक्ट म्यूजियम। अब चल रहे हैं बाहर को। हो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है भाई, ये खूब घूमने को मिलेगा। बट हैं पेड़ पौधे, इनके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे।
इंसेक्ट्स के बारे में भी नॉलेज मिल सकती है। यहाँ पे पानी है, ये भाई काफी नॉलेजेबल वाले हैं, बट मतलब लोगों के लिए ही जगह है, अपने को तो ठीक है, बढ़िया है, कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस कर लेने चाहिए, अच्छी बात होती है। यहाँ पे चिड़िया वगैरह भी है। हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ लिए, धूप वूप सेक लिए, अब चलते हैं कहीं और चलते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप ही है, ज़्यादा वैसा नहीं है, बस पेड़ पौधे देखने वाली चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो एकदम से कूदती हुई आई और ये गड्ढों में चल रही थी। ये देखो डीजल वाली टवेरा भाई, स्टेपनी इसकी यहाँ थी नीचे, और ये देखो इसका सस्पेंशन, वो जो महिंद्रा बुलेरो पिकअप विकअप में होता था ना, वो वाला सस्पेंशन आता था उस टाइम पे, ये इसका सारा है। नियो 3 मैक्स टवेरा शेवरले की बैजिंग एमपीवी, लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई में ज्यादा नहीं है। ये देख लो भाई, इतनी बड़ी सी गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ने में कितनी जान सी लगती है, बाकी आ तो जाती है चलते पे अपने आप वापस। और यहाँ पे एक वाटरफॉल था, तो भाई ये ना हमने थोड़ा स्किप कर दिया है कि पानी बह रहा है, बस वही है व्यू और कुछ नहीं है। हम सोच रहे हैं एडवेंचर पार्क चल लेते हैं, वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा चलने का। पहाड़ देखो भाई कितना सैड लग रहा है। कैमल चिपे, क्या क्या नाम है इसका? कैमल चिपे। कैमल, अच्छा लग रहा है। अभी तो 9 लोगों को चढ़ के चढ़ते, अभी तो 5 है। चढ़ने की उतर के बना लूंगा इसकी। तो ये भाई हम पहुंच गए एडवेंचर पार्क, यहाँ पे आ गया है। वो देखो कितना मतलब अच्छा खासा बड़ा है, बाकी नीचे उतर के पूरा दिखाते हैं आपको। गाड़ियाँ मैं भाई बम्पर कार भी है अपना, वही बुल राइड है, छोटे बच्चों के झूले वगैरह है। और वो देखो कि वो रोड, वो गो कार्ट है, गाड़ियाँ चलती है। बाकी चलते भाई दिखाते हैं आपको नीचे उतर के सारा। और ये है बंगी जंपिंग सी कुछ होती है ना, वो ऐसे उछालती है ऊपर, वही चीज प्रकार। ये हम नीचे आ गए हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, भाभी रह गई पीछे। सर क्या टिकट घर तो बंद है? बंद तो नहीं हो रखा है सब यहाँ पे? तभी कुछ चलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और यार मजाक तो नहीं हो जाएगा? गो कार्टिंग करने जा रहे हैं हम, मैं पीली वाली चला रहा हूँ, ये भाभी और यशुया चला रहे हैं अपनी ऑरेंज वाली। उसका 400 है और इसका 600 है डबल का, और 6 चक्कर मिलेंगे। हाँ। 6 चक्कर हैं भाइयों। लो अपनी शक्ल, ऐसे हेलमेट लगाना पड़ेगा, अपना हेलमेट थोड़ा ढीला है, सेफ्टी फर्स्ट है भाइयों, हेलमेट लगा के चलते हैं। गाड़ी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। रहा इसका इंजन, स्टीयरिंग, पैडल देखते हैं कौन कौन से है। क्या चीज़? अच्छा अच्छा ठीक है, तो उसे नहीं छूना है भाई, उससे हाथ वाथ जल सकते हैं अपने, प्लस ऐसे बैठ सकते हैं। स्पोर्ट्स कार वाली है ये अपनी रेस, और ये अपना ब्रेक का थोड़ा टाइट है। वहाँ से एक और वीडियो बन रही है भाइयों अपनी, स्ट्रगल देख लो भाइयों। वो वाली ना अपनी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसलिए लेफ्ट में बैठ रहे हैं बॉस, क्योंकि भाभी को ड्राइव नहीं आती है। दूसरे कैमरे से वहाँ से बन रही है।
के आई ही नहीं रही है, दिखाई भी नहीं दे रहे। बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आ गया गो कार्टिंग करने में। बस ये थोड़ा सा रिस्की हो गया अपना, ये मैंने ना जेब में नहीं रखा था, ऐसे ही रखा हुआ था, तो अपना ये 15 गिर गया था भाई, और नीचे हल्के से ना कैमरे पे निशान से तो आ गए हैं, यही थोड़ा दुख लग रहा है, वरना तो लोग क्या फ़ोन सब कुछ चेक कर लिया है मैंने। बाकी एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ा आ गया, बाल बाल थोड़े ख़राब हो गए हेलमेट लगा के, बट एक नंबर चीज़ थी भाई, पैसा वसूल चीज़ थी, है थोड़ी कॉस्टली, 400 रुपये पर हेड है और दो वाली 600 रुपये है। ये देख लो यार, जो फ़ोन गिरा था ना, तो इसमें ना यहाँ पे हल्के हल्के कैमरे के लेंसेज पे स्क्रैचेज आ गए हैं, ये थोड़ा सा भाई बेकार हो गया मामला। बाकी तो फ़ोन ऑल ओके, फ्रंट फ्रंट पे सब जगह ऑल ओके, बस एक यही थोड़ा यार ड्रॉबैक हो गया, और यही अपने लिए मेन चीज़ है। शूटर भाइयों ये भी खेला, इसमें ना फोम की बॉल होती है, इसमें डालनी होती है और मारना होता है। सांस तक फूल गई है, ऐसे भाग भाग के मारा है भाई, एक नंबर चीज है, 100 रुपये पर बंदा है, बट मजा बड़ा आया इसमें। मजा आ गया, पापा मिले की फिर पापा भी बीच में आए ना, तब भी मैंने 2-3 मार दी, मजा आ गया उसमें। आ गया भाई वो गाड़ी पे, मस्त एडवेंचर हो गया, अब बैठेंगे और चलेंगे। भैया को बाय बोलने का टाइम आ गया, बाय बाय भैया, काफी मजा आया भैया के साथ, फुल डे हो गया अपना, और टाइम देख लो भाई, और टाइम आप देख लो, 5:06 हो गए हैं, 12 बजे के करीब के निकले हुए हम लोग, अब आ गई है पेमेंट की बारी। कुछ भी, हाँ हॉट कॉफी ले लूंगा अब तो, खैर हॉट कॉफी चल जाएगी। देखो एडवेंचर कर करा के सो चुकी है, वो सपने ये रहे। अब आके बैठे भाई एम्बेसी रेस्टोरेंट में, पुरोहित के बगल में ही है जस्ट, ये भी बढ़िया बना हुआ है। तो भाई अब 5:45 हो गए हैं और हम जा रहे हैं होटल वापसी, अभी थकान वकान काफ़ी हो गई थी इस वजह से, और थोड़ा सा पकोड़े वकोड़े खा लिए, अब थोड़ा सा रेस्ट करके ना रात में मिलते हैं, रात में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करते हैं अपना नैनीताल के मोल रोड पे। अपना होटल आहूजा बढ़िया है भाई, प्राइस वाइज के हिसाब से एक नंबर लगा। 8:23 हो गए हैं भाई, अगेन आ गए हम मोल रोड पे घूमने फिरने थोड़ा, हंडने उड़ने, और देख लो यार कितना खाली पड़ा है, भीड़ तो है ही नहीं कहीं भी, आप देख सकते हो। तो ये लोग कुछ लेने जा रहे हैं, चलो भाई हम भी चल के देखते क्या ले क्या रहे हैं। तो उस दुकान से इसकी एक्सेसरीज ली थी, एली की एक्सेसरीज, ये ग्लव्स, पापा को देखो राइम्स चुनते हुए चलते हैं। खाली पड़ा है भाई नैनीताल इस टाइम तो। इसे नीचे छोड़ा अपने आप, इधर आगे खड़ी हो गई, ये दिला दिया फिर भी नहीं चल के दे रही, आम आदमी पार्टी, चलो 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 आयरू। अभी यहाँ पे एक मोमोज वाले भैया खड़े थे, तो यहाँ से मोमोज खा लिए एक प्लेट, वेज मोमोज थे नॉर्मल साधारण गिलगिले वाले, वही मिर्ची सी लग गई है, खाली पड़ा यार। वैसे ना ऑफ सीजन में भी घूमने का मजा नहीं है, घूमने का मजा वही है जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, रौनक तो रहती है, है? तो हम लोग आ गए हैं होटल, क्योंकि मॉल रोड पे कुछ तो है नहीं, सब खाली खाली सही पड़ा है, यहाँ पे आ गए हैं, यहीं होटल में कुछ स्नैक्स का ऑर्डर वॉर्डर मार दे रहे हैं। तो भाई डिनर ना हम लोगों ने रूम में ही मंगा लिया है, सब खा पी रहे हैं आगे भी पीछे भी, बस अब बाहर जाने का मन नहीं हुआ यार, बाहर कहाँ जाए, सब खाली खाली से पड़ा है, और बस अब थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा, अब यहाँ तक आए हो थोड़ी देर और रुक जाए, एक छोटा सा बस सरप्राइज है, लिटिल सरप्राइज है, थोड़ा सा बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर उसके बाद आप लोग भी सो जाना आराम से। छप्पन हो चुके हैं भाइयों, बल्ले बल्ले, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू।
ले तेरा चाकू, ये जला लो मोमबत्ती, ये ना तेरा के अब काट ले। नहीं 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 नहीं, ये ले तेरा चाकू, ये ले तेरा केक, ले वे ले बना ले बड्डे। आने वाले भाइयों इतने सारे मैसेज के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते लिखते ही पूरा दिन जाने वाला है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। चलो काटते हैं। आया हूँ। क्लैपिंग करो चाचू के लिए। मारो मारो। ओए ताली बजाओ सब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे पंडे, हैप्पी बर्थडे करते हुए। सब्सक्राइबर्स के लिए भाभी थैंक यू सो मच। बस थोड़ा गीला हो गया लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा। थैंक यू। अब है या खाली है? खोल के देख। अच्छा, वो बेटे से तो बहुत सारे पैसे है। तो भाई अब 12 बज गए हैं। 9 जनवरी लग गई है जिस दिन मेरा बर्थडे होता है। तो केक वेक कट हो चुका है, बस खा के सोने जा रहे हैं। अब आप लोग भी सो जाओ भाइयों। आज का फुल डे दिखा दिया, पूरा दिन घूमे नैनीताल में, मस्त इंजॉय वगैरह सब हो गया अपना। और आज अपनी गाड़ी तो भाई देख ही नहीं पाया, बस हल्की सी झलक दिखी थी पार्किंग में खड़ी। अब कल दिखेगी अपनी गाड़ी की झलक। आज तो टवेरा के बारे में ही बातचीत हुई है और कुछ नहीं। तो चलो भाइयों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। आज का अपना ये हैशटैग डे वन इन नैनीताल 2024, वो सॉरी डे टू 2024 कंप्लीट। तो बस भाइयों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। टेक केयर भाइयों, बाय भाइयों, बाय बाय।